नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा बालाजी। माता जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गांव बारने से रहने वाली हूँ जी। माता जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मेरे को 6 साल हो गए जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? सारी देवी देवता की भक्ति करती थी जी। 40 भी देती थी, उसके भी माता का भी 40, पीर का भी 40। मैं जो मर्जी जहीं भी गया वो भी गई मैं, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होया, दूना नुकसान होया। मेरे दौरे पड़े करे थे, मेरी जीभ कट जा करे थी, मैं कहीं भी गिर जू थी, कोई बाहर तो नहीं ठाक ठाक कर लिया कर दे, घूमन जानती मेरे कपड़े का भी कोई शोध ही नहीं रहा थी जी, मना नहीं ठाक कर लिया कर दे, गंद में भी दस जू थी मैं, लेकिन मेरे कोई दो टाइम की एक टाइम की रोटी का भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो इन सब परेशानियों के बीच आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? मेरा लड़का बहुत ज़्यादा गंदी पार्टी में था जी, वो नशे को बहुत ज़्यादा नशे करे कर था, मैं उसके उसमें जान दी, छाने पर जान दी, किसी पर जान दी, जो ना मेरा लड़का सही हो जाए, एक लड़का जी वही ज़्यादा ज़्यादा बिगड़ता चला गया, अपने घर में अपने बच्चा ना माँ ना बाप ना किसी ना समझे नहीं था, बाहर को कुछ ज़्यादा मान्य करता, मैनू डरती फिरे जान दी, मैंने बहुत ज़्यादा डर लगे करे था, मेरा मारन भी आंदा, मेरे तो गाली गंदी गंदी गाली भी दे करता, मैं अपनी बहू ने भी कहती बेटा कुछ ना कहिए बोलिए भी ना, हम इतनी भी वो कर दे नहीं डरे कर दे, बेटा रोटी खा ले, रोटी खाने तब भी हम बहुत डरे कर दे, कदे पता नहीं के कहेगा यू, हमने छोड़ दिया भी चलो फिर 15 दिन दो दो महीने 3 महीने बड़े भी नहीं था। मेरा लड़का गया पहला जी, वो ज्ञान गंगा गरा पड़ी थी, वह ज्ञान गंगा खोल कर नहीं देखी कभी भी, वो गरा घेर दिले का, एक दिन वो पूरे नशे में था, बहुत ज़्यादा नशे में था वो, उसका एक मथाने का भगत वो नाई का काम करा उसके पास गया, उनका मेरे नहीं मेरी दाढ़ी बना, वो बोला बना दूंगा बैठ जा, उनका उस ज्ञान गंगाधर ही उसके गुरुजिया की वह लग रही फोटो उसके पास में ही सत्संग लग रहा था, वो सुनता रहा सुनता रहा, सत्संग भी कदी कदार देख ले करे था टीवी में, उनका भी ये तो मैंने देखा टीवी में देखा यू यू महात्मा तो, उनका भी फिर तेना कुछ सुना इसका, उनका नहीं सुना नहीं कदी भी मैं, फिर बोला उनका मेरी दाढ़ी बना, उनका बैठ जा राम था, उन्हें सृष्टि रचना ला दी, वो सुनी रुंद रहा को भाई मैं ना कहूँ इस तरह किसी करके, मैं ना कहूँ फिर मेरी दाढ़ी बनाई है, वो जाकर ना कहाया उन्हें दाढ़ी बना दी, बोला ये मैं घर जाऊँगा, 20-22 दिन हो गए मेरे घर तक निकले ना, उसने उस दिन आया अंधे मेरे तक वह माँ, मैंने कहा मकाज मैंने माँ किस तरह कवाई हूँ, मैंने माँ भी नहीं कवाया था, उनका किसी दिन यूँ ना कही अभी रामचंद्र उरा मखाना मैं निकंदी, उन्हें अपना फोन बंद करके भी गेर देख पासा और अपना पुस्तक खोल कर ना दो का उन्हें बैठ गया खोल का, 3 दिन पढ़ी पढ़ का 3रे दिन फिर उस पर फोन करा संत रामपाल जी आगे चरणा में ले जा मैंने नाम दुआ दे मैं जाऊँगा, बोला बोली बो आऊँ कहाँ ही बो आ जा, मेरे तक कह माँ कहा मेरे 2 जोड़े कपड़े पा दे और मैं बरवाला नाम लेकर आऊँ, मैंने एक डेरा बसी बरवाला, मैं कहा उठा नाम कौन देवा कौन या इशार बरवाला, मैं उठा नाम लेकर आऊँगा संत रामपाल जी अगर सत्संग देखे करनु का मेरे तक वह, मैंने कहा सत्संग उनका साधन चैनल पाओ मख कोई देख ले करांगे, मैंने तो यही थी मेरा लड़का सुधर जा सारा कुछ हो जाएगा, तो अपना वो भग्या और मैं 2-3 दिन नहीं आंदा नुका, मैं ठीक है वो भग्या, सामने नाम लेकर सामने ही आ गया, अरे मैं तो नहीं कहा था मैं तो 2-3 दिन में आऊँगा, उनका बस परमात्मा ने मेरे तो नाम दे दिया मैं घर आ गया, मैं भी बहुत ज़्यादा बीड़ी पिए कर दी मैं तो मेरी आका मेरे के लड़ा नुका ये बीड़ी छोड़ दे, मैंने कहा भी मेरे पास बीड़ी नहीं छूट दी, नुका क्यों छूट दी क्या नहीं मखा ना मेरे पास छूट दी नहीं, रात के 10-11 बज रहे एक छोटी पोती है मेरी लड़की ने ठाकर बहू की बाँह पकड़ कर चल दिया, निकल अपनी बीड़ी पियो और जो मर्जी करियो हम चले, मैंने सोचा लोग दुनिया मैंने के कहेगी एक बहुत ही एक बेटा थो काट दिया, मैंने फिर मैंने कहा बेटा तू ना जावा मैं बीड़ी छोड़ दूंगी,
परमात्मा ने मेरे अंदर ऐसा करया तो मेरी बीड़ी एकदम ना दोनों अग मंडला कनू बूटा पर कनू मसलका नहीं नाली में फेंक दिया। मैं आज तक पीछे मैं बीड़ी नहीं पीऊँगी। मैं गुरु जी के शरण में आई या फिर मेरे गुरु जी के शरण में मैं भेजी मेरे लड़के ना नूका जा तो आप जाओ नाम ले कानू कमा। मैं सतलोक आश्रम गई संत रामपाल जी के जाकर मैंने अपना नाम दीक्षा ली। माता जी, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पहला लाभ तो ये होया जी मेरा लड़का सुधर गया, कोई लड़ाई झगड़ा किसी को कैसे गाली गलोच कुछ नहीं करता, प्रेम तो रहता। दूसरी मेरे घर में क्लेश भी रह करे था, हर एक टाइम की रोटी न भी नहीं तरसे कर दिया हम भी के खावांगे। आज उसकी उस तभी संत रामपाल जी ने मौज करा के बीड़ी पीती थी। मैं बहुत ज़्यादा बीड़ी पीती, मैं 20-25 साल मैंने बीड़ी पी, वो भी मेरी छूट गई। इतना बड़ा मेरा पेट हो गया था, मेरे पैर भी नहीं दिखे करे थे, मैंने सांस भी नहीं आए करे था। सारी रात जितनी सर्दी में भी रजाई नहीं मैं उड़ू थी, रजाई मेरी टांगा के नीचे टांग में ऊपर रखे कर दी और सिर मेरा तड़न हो करदा, ऐसे पड़ी रही कर दी मैं। हाँ बीड़ी पी जद बीड़ी पीऊँ थी सांस के साथ बीड़ी पीऊँ थी मैं। अब मैं बीड़ी बाड़ी कुछ नहीं पीती, सब मौज कर दी संत रामपाल जी ने। आज मैं संत रामपाल जी के चरणा में आकर मेरा ना तो मेरा पेट फूला ना मेरे फेफड़े थे दर्द रह करदा, यहाँ रखो इतना दर्द रहा संत रामपाल जी के दया के उसमें ठीक हूँ मैं। 4 साल हो गए थे जी मेरी बहू ना आई ना कोई संतान नहीं हुई। मैं देवी देवता ना पूज दी, कुछ को कोई दवाई कंधे दवाई दुआ ले, मैं लुक लुक ही दवाई दवा दी। मैंने कहा भी कड़ी तो जा, तो एक दिन संत रामपाल जी का नाम लिया मेरे लड़के ना। उसके बाद मेरा लड़का बोले माँ ये क्या है नुका इतनी दवाइयाँ डेडी शीशियाँ पड़ी थी मेरे घर में, नुका इतनी दवाइयाँ क्यों गे रखे तना, इसका बड़ा डॉक्टर कौन मिलेगा तना, ना दवाई देंदा ना कुछ देंदा नुका। और परमात्मा उसके संत रामपाल जी के चरणा में जाओ और अपना कल्याण करवाओ। मैं आम सासू बहू गए जाकर परमात्मा ने नहीं कहा, परमात्मा संत रामपाल जी बोले परमात्मा दया करेंगे बेटा। उसी टाइम मेरे पोती थी 4 साल की हो गई थी मेरी पोती, फिर मेरा पोता 4th महीना था अल्ट्रासाउंड करवा कर गया था। उसके बाद मेरा लड़का पोता होया, ये मेरा पोता फिर हो रहा 13 महीना का दूसरा पोता हो रहा। संत रामपाल जी की दया था मोजा। माता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही संदेश दूंगी भी जो भी अपने इस आका है इस दुनिया में तो दुख ही दुख है, सुख नहीं किसी ने मिलता, आका संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करो। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।